जैसे कि आपने बताया कि आपको राजनीति में शुरू से दिलचस्पी रही है, लेकिन जब बात करते हैं पड़ाव की, तो कभी आप कांग्रेस में रहे, कभी आप जनता जोगी कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर से कांग्रेस में, तो ये जो उतार चढ़ाव रहा है इसको आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में? देखिए क्या था, ये हमारा कोई पार्टी छोड़ने का उद्देश्य नहीं था। तो 2018 के बाद जो समीकरण बदला यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि जो जनता जोगी कांग्रेस का पार्टी है यहाँ, जो उसका एक किला था वो ढह गया है, अब यहाँ उनका अस्तित्व रहा नहीं? देखिए स्वर्गीय अजीत जोगी जी एक बहुत अच्छे बड़े लीडर थे, छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारतवर्ष के बने। तो विकास कितना हो पाया, क्योंकि लोगों की मांग है विकास, आपको यहाँ वास्तव में विकास की नई दिशा मिली, बहुत अच्छा अच्छा काम हुए। आपको भी लगता है कि आने वाले समय में क्या जनता जोगी कांग्रेस एक तीसरा पार्टी के रूप में उभर सकती है छत्तीसगढ़ में? नहीं, मैं नहीं मान सकता। जोगी कांग्रेस का तीसरे शक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ में अब खड़ा हो पाना संभव ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनता उनकी बातों को भी बातों पर विश्वास नहीं की, और जो महतारी बंधन योजना बीजेपी लेकर आई उस पर भारी पड़ गया, क्या लगता है? हम कितनों कुछ भी काम कर दें, जो नगद की व्यवस्था होती है, नगद की बात होती है, उसमें आज लोग विश्वास करते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और जान रहे उनके जीवन के संघर्ष और सफर के बारे में, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा संबंध है आपसे। आज हम आप पहुंचे हैं मरवाही विधानसभा क्षेत्र में, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं जनता जोगी कांग्रेस जो 2023 में उम्मीदवार उतारे थे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में, गुलाब राज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम चाहते हैं कि अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, कौन है गुलाब राज जी, कैसे राजनीति में, शिक्षा दीक्षा क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। जी, मैं गुलाब राज, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कमल सिंह जी राज, मैं पिताजी मेरे पेशे से किसान थे और मैं भी खेती कारी करता हूँ। मैं पंचायती राज के प्रथम सरपंच था मैं यहाँ से, और वर्तमान में ही मेरी घर वाली यहाँ की सरपंच हैं, तब से मैं सरपंच निर्वाचित होते आ रहा हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के लगभग यूथ कांग्रेस का गौरला पिंडा का जिला अध्यक्ष भी था उस समय, और ये उस समय सन 2006 में अध्यक्ष था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में यूथ कांग्रेस का। उसके बाद फिर जब छत्तीसगढ़ राज्य के बाद गौरला पिंडा नवीन जिला बना, तो मैं यहाँ जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष भी था जिला कांग्रेस कमेटी का, ग्रामीण का। और मैं एक पेशे से किसान हूँ, मेरा कोई लंबा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा और लोगों से मिलना जुलना तो राजनीतिक में एक अच्छा पहचान बना जी। और सन 2018 में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझ पर विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बना। क्योंकि योगी जी एक ऐसे बड़े लीडर थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ना मेरी बस की बात तो छोड़ी, छत्तीसगढ़ में सब कोई नेता ही नहीं है कि योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लें और चुनाव जीत जाएँ। पर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे भाइयों ने विश्वास किया, हम लोग पुरजोर मेहनत किए, फिर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पर लगभग 20,000 वोट मुझे मिला। फिर उसके बाद मेरा राजनीतिक सफर चलता रहा जी। फिर आ गया 2020 में, बाई इलेक्शन हुआ जोगी जी के दिवंगत होने के बाद, तो मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो जोगी ये क्या कहते हैं कांग्रेस से फिर हमारे डॉक्टर के ध्रुव टिकट दिए। फिर हमारा ऐसे राजनीतिक चलता रहा। अब आ गई बारी 2023 की, जब 2023 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मैं एक जनक क्रोश था पूरे क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दी जाए। उसमें पहला मेरा नाम था, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा पूरा नाता रिश्तेदारी है, और मेरे ख्याल से जो हमारा समाज है गौड़ समाज, उसमें सबसे ज़्यादा लंबा रिश्तेदारी मेरे ही है। तो सारे लोग सपोर्ट किए, बोले यार टिकट मांगते हैं, अगर टिकट नहीं देता तो हम बाहरी प्रत्याशी को, जो कि के ध्रुव इस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं बलौदा बाजार से, क्योंकि यहाँ BMO के पद में पदस्थ थे, लंबे समय से रहे यहाँ, तो
अब राजनीतिक में जानते हो कई प्रकार का वो होता है स्थितियाँ, तो उनको टिकट दे दिए। उनके विरोध में मैं 2023 का चुनाव जोगी कांग्रेस के बैनर तले से लड़ा हूँ, और उसमें मुझे मेरे पूरे क्षेत्र के मतदाता, साथ में रिश्तेदार, हमारे जितने सरपंच साथी, बहुत सारे लोग खुल के सपोर्ट किए, और कमोबेश 42,000 वोट मिला और बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आपने कहा शुरुआत में कि आप किसान परिवार से आते हैं, राजनीति से आपका कोई बैकग्राउंड रहा नहीं? नहीं, हाँ, राजनीतिक से बैकग्राउंड था पर वैसा नहीं था। दादाजी हमारे पूर्व, जैसे गांव में पटेल होते हैं, गौटिया होते हैं, गौटिया परिवार से बिलोंग करते थे। हमारी नाता रिश्तेदारी भी ऐसे ही परिवारों से हैं, गौटिया पटेल परिवारों से। मेरा ससुराल जो है पटेल परिवार से हैं, है ना, तो गौटिया पटेलों का संबंध था, तो राजनीतिक से था बिलोंग, ऐसा नहीं है कि नहीं था, राजनीतिक संबंध था। तो क्या आपको शुरू से लग रहा था कि मुझे राजनीति में जाना है? जी हाँ, ऐसा लगा। जब मेरा छात्र जीवन था, मेरी भी शिक्षा दीक्षा लालपुर हाई स्कूल से हुआ है, मैं हायर सेकेंडरी तक अध्ययनरत हूँ, तो जब जैसे साला नायक का चुनाव होता था, तो मैं छठवीं में क्लास कैप्टन, सातवीं क्लास कैप्टन, आठवीं क्लास कैप्टन, फिर दसवीं जब पढ़ा तो मैं साला नायक, इस टाइप का। नहीं, राजनीतिक शुरू से हमारा था वो, है कि नहीं। मेरे दादाजी गौटिया थे, फिर वो जब स्वतंत्र भारत हुआ तब के सरपंच थे, तब से इस पंचायत में हमारे ही सरपंच ही चलते आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आपको राजनीति में शुरू से दिलचस्पी रही है, लेकिन जब बात करते हैं पड़ाव की, तो कभी आप कांग्रेस में रहे, कभी आप जनता जोगी कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर से कांग्रेस में, तो ये जो उतार चढ़ाव रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं अपने जीवन में? देखिए, क्या था, ये हमारा कोई पार्टी छोड़ने का उद्देश्य नहीं था। मैं, हमारा पूरा परिवार जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार आज भी है, और जब स्वतंत्र भारत तब से कांग्रेस से परिवार से जुड़ा हुआ है। कोई हमारे बीच में किसी प्रकार का परिवार से कोई दल बदल की बात नहीं हुई। अब यहाँ आपको मालूम होगा कि मरवाही विधानसभा में डॉक्टर भंवर सिंह पोरते हमारे बहुत बड़ा लीडर हुआ करते थे, पूर्व मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी थे, उनकी बहुत बड़ी बोलबाला थी इस क्षेत्र में, जो हमारे ट्राइबल समाज के लिए बहुत कई प्रकार के कानून बनाए, और आज भी उनका सम्मान उस व्यक्ति के लिए पूरे क्षेत्र में जीवित है और रहेगा। तो उस समय जब डॉक्टर भंवर सिंह पोरते कांग्रेस छोड़ के जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो हमारा परिवार नहीं गया उनके साथ, क्योंकि कांग्रेस से समर्पित परिवार है। चूँकि मेरा भी कांग्रेस छोड़ के जाने का मन नहीं था, पर एक हमारा चैलेंज था कि हमको जो के ध्रुव है, चूँकि ये बाहरी प्रत्याशी था, इसके विरोध में हमको जाना पड़ा, और उसको हराने के लिए हमारे पास मात्र एक ही विकल्प था कि इसका बगावत करके हम चुनाव नहीं हरा सकते थे। हमको सिर्फ के ध्रुव हमारा लक्ष्य था, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी को पूरा क्षेत्र के लोग नकार दिए थे, तो विकल्प के रूप में तब हमारा विकल्प दिखा जोगी कांग्रेस। तो इस बात से भी आपने, आपको, आप कितना संतुष्ट मानते हैं, चूँकि आप जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे के ध्रुव जी, दोनों पार्टी को हार मिली है और भाजपा को जीत मिली है, अगर आपका समर्थन रहता है कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस अगर आपको प्रत्याशी बनाया रहता, तो जो आज विधायक बीजेपी की वो कांग्रेस की रहती, तो क्या आपको लगता है कि जो मेरा फैसला था वो कितना सही कितना गलत है? देखिए, क्षेत्र हित के लिए मेरा फैसला सही था, पार्टी हित के लिए फैसला गलत था। अगर मैं कांग्रेस की दृष्टि से सोचूं तो मेरा फैसला गलत था, लेकिन क्षेत्र हित के लिए ठीक था मेरा फैसला। जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, ये जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तब से लेकर 18 तक उनका गढ़ रहा है, उनके जो विधायक थे चुनकर आते रहे हैं, तो 2018 के बाद जो समीकरण बदला यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि जो जनता जोगी कांग्रेस का पार्टी है यहाँ, जो उसका एक किला था वो ढह गया है, अब यहाँ उनका अस्तित्व रहा नहीं? देखिए, स्वर्गीय अजीत जोगी जी एक बहुत अच्छे बड़े लीडर थे, छत्तीसगढ़ के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के। हम उनको एक देवतुल के रूप में पूरा मरवाही की जनता देखते थे, क्योंकि जोगी जी के अंदर कभी पार्टी विशेष की बात नहीं आती थी। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र के जाते थे, सबकी बखूबी सुनते भी थे और उनका त्वरित निराकरण भी करते थे। ऐसी उनके अंदर एक भावना थी, और उन्हीं भावनाओं के कारण क्षेत्र में आज भी जोगी जी हर दिलों में राज करते हैं। तो अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ चले ठीक है, जैसे भी करके अगर दूसरे जगह में आ रही जनता जोगी कांग्रेस, तो उनके प्रशंसक यहाँ हैं, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए, तो इससे पहले ऐसा कोई भी चुनाव नहीं था जब कांग्रेस जोगी कांग्रेस को
दो से चार सीट नहीं मिला हो, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता जो कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, तो कैसे मान ले? जोगी जी के न रहने के बाद अमित जोगी जी के पास वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और आज भी नहीं है, न कल भी रहेगा। चूँकि योगी जी के अगर रहते योगी जी तो निश्चित है दो चार सीट मिलता क्षेत्र को, प्रदेश में हो सकता है कि गठबंधन की सरकार भी हो सकती थी, क्योंकि योगी जी के अंदर एक अलग छवि था। हमारे जो अमित जी हैं उनके अंदर ये नेतृत्व करने की क्षमता नहीं, इस बात को मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से ही बता रहा हूँ। इसी कार्यक्रम में सर हमारा इंटरव्यू हुआ था अमित जोगी जी के साथ में, तो उनका कहना था कि भले हमारी पार्टी एक भी सीट जीत करनी आई है, लेकिन जो हमारा पॉपुलैरिटी है या फिर जो हम लोग का वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, लोगों का हमसे जुड़ाव ज़्यादा हुआ है, तो इसका जो है आने वाला आउटकम है आने वाले समय में हम लोग के लिए फायदा दिलाएगा। तो क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में क्या जनता जोगी कांग्रेस एक तीसरा पार्टी के रूप में उभर सकती है छत्तीसगढ़ में? नहीं, मैं नहीं मान सकता इसको। जोगी कांग्रेस का तीसरे शक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ में अब खड़ा हो पाना संभव ही नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि जब 2023 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ तो कोरबा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आते हैं, 8 विधानसभा में 52,000 वोट जोगी कांग्रेस को मिला है, जिसमें मरवाही मात्र एक ऐसा विधानसभा जो कि 40 से 42 हज़ार वोट जोगी कांग्रेस को पड़ा है, बाकी जगह कहीं पर 2,000, कहीं पर 3,000, कहीं पर 1,500 में प्रत्याशी सिमट के रह गए हैं, है ना। तो जोगी कांग्रेस पार्टी का जो एक जनाधार होनी चाहिए तो पूरे छत्तीसगढ़ में ख़त्म हो चुकी है, कहीं पर कोई जनाधार नहीं है जी। अगर आपके इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 15 साल यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, उस समय जोगी जी यहाँ से वो विधायक थे, फिर अमित जोगी जी बने, तो विकास कितना हो पाया, क्योंकि लोगों की मांग है विकास? देखिए, यहाँ पूर्ववर्ती जब मध्य प्रदेश सरकार हुआ करता था, मध्य प्रदेश, तो उस समय भी अपना मरवाही विधानसभा विकास से बहुत कोसों दूर था। जब जोगी जी प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने तो आपको यहाँ वास्तव में विकास की नई दिशा मिली, बहुत अच्छा अच्छा काम हुए, बड़े बड़े डैम का निर्माण हुआ, जबकि वो डैम की आधारशिला पूर्व स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते जी ने रखे थे, लेकिन किसी कारणवश कार्य अवरुद्ध हो गया था। जैसे जोगी जी जब मुख्यमंत्री बन के आए तो सारे काम उसी गति से चले और सारे डैम निर्माण हो गए, बिलासपुर जाने का जो सुगम रास्ता था वो भी कंप्लीट हुआ, नहीं पुल की बहुत बड़ी अभाव थी, चारों दिशाओं से जितने रोड सड़कें हैं सारा चीज़ बना, ऐसा नहीं है। पर स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में अगर हम बात करें तो जो पहले की स्थिति थी आज भी है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जिस गति से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है जी। बाई इलेक्शन में जो चुनाव का रिजल्ट आया था उस समय जो JCCJ के प्रत्याशी वो उनका नामांकन रद्द हो गया था, तो जो जीत का अंतर था वो 35,000 से ज़्यादा था कांग्रेस के पक्ष में, तो क्या ये भी एक आधार रहा कि डॉक्टर के ध्रुव को एक बार फिर से मौका दिया? क्योंकि आपने बताया कि 18 में आप जोगी के अपोजिट में थे, तो आपका टिकट देना मिलना ज़्यादा बनता था लेकिन आपको नहीं दिया गया, तो क्या ये भी एक कारण रहा कि 2023 में उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, 2023 का जो चुनाव था एक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा था, और मरवाही विधानसभा एक कांग्रेस का गढ़ है, आज भी कांग्रेस का गढ़ है। आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में जब लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर ज्योत्सना चरणदास महंत प्रत्याशी थी और भारतीय जनता पार्टी से सुश्री सरोज पांडे जी, तो मरवाही विधानसभा में 18,000 से भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ना हुआ, है ना। कांग्रेस ने 18,288 वोट का लीड लिया, और ओवरऑल कोरबा की हम बात करें तो 40,000 वोट से हम लोग एक कोरबा लोकसभा सीट को जीते। क्योंकि मरवाही विधानसभा में यहाँ के मतदाता, हर मतदाता कांग्रेसी हैं, यहाँ कांग्रेस का वोट प्रतिशत जैसे कुल यहाँ 1,12,000 से 18,000 मतदाता हैं, जिसमें 80,000 वोटर्स कांग्रेस के हैं। इसको आप अभी आप 2023 का चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, अगर उठा के देखेंगे तो कांग्रेस का वोटर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ अगर मैं जोगी कांग्रेस से चुनाव न लड़ता तो निश्चित ही यहाँ कांग्रेस के विधायक होते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं होता। जो 3 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस में,
के ध्रुव जी का, तो उस कार्यकाल में उनका कहना था, चूँकि इससे पहले हमारा उन्हीं के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उनका कहना कि मैं जो जितना काम कर सकता था, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर पुल पुलिया के निर्माण के क्षेत्र में, अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, 100% देने का प्रयास किया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। पर क्या होता है, आज का जो जनरेशन है, अगर हम मरवाही की बात ना करें, छत्तीसगढ़ की भी बात ना करें, अन्य प्रांतों में भी चले जाएं, तो हर प्रांतों में आजकल जातिवाद राजनीति हावी हो गई, आप देखते होंगे। अभी थोड़ा अगर हम मुद्दे से हट के थोड़ा बात कर लें, तो हिंदू मुस्लिम की जो बात आती है, ठीक उसी तरह मरवाही विधानसभा में एक मुद्दा आ गया, भीतरी और बाहरी, ये एक विशेष फोकस हो गया है ना। तो भीतरी और बाहरी का एक मुद्दा छाया, इस वजह से कांग्रेस का यहाँ हार का सामना हुआ। अगर कांग्रेस पर ने अगर पार्टी के ध्रुव को टिकट ना देके किसी अन्य को दिया होता, तो कांग्रेस के विधायक होता यहाँ। अभी 7 महीना हो चुका है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने, तो विजय शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में बोले थे कि जितना विकास का काम छत्तीसगढ़ में 7 महीने बीजेपी की है, अगर 5 साल कांग्रेस की करे तो तुलना में बीजेपी उससे आगे निकल रही है, क्योंकि 70-80% ऐसे जो वादे हैं जिनको बीजेपी पूरा कर चुके हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की ऐसी कौन सी वादा जिसको लगता है कि हाँ यहाँ पूरा हो चुकी है? नहीं, जैसे कि अभी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने अगर कोई बात अगर कही हो सकता है उनके नॉलेजमेंट में होगा, लेकिन चूंकि हम तो मरवाही के एक मतदाता हैं, यहाँ के निवासी हैं, हमको ऐसा कोई आज तक कोई विकास ही नहीं दिखा मरवाही विधानसभा में कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद विकास हुआ हो। अभी उन्होंने 18 लाख आवास की भी घोषणा किए थे, क्योंकि अभी तक मात्र मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि अभी जियो टेक हो रहा है, अभी तक किसी खाते में पैसा आया नहीं है। एक जैसे योजना थी कि सरकार बनने के बाद महतारी बंधन योजना लागू करेंगे, वो भी महतारी बंधन की राशि जो है 1000 रुपये हमारी जो मात्र शक्ति है उनको मिल रही है ना, चूँकि उनको भी जैसे कहा जाए जो पेंशनधारी जो महिलाएँ हैं, हमारे बहनें हैं, जिनको पहले 500 मिलता था, तो उनको मिलाकर 1000 मिल रहा है, जबकि महतारी बंधन की राशि 1000 रुपये देने की बात की गई थी, 1000 मिलना चाहिए, 1500 मिलना चाहिए। उसमें आपका सुखद सहारा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस टाइप के पेंशन से उनको लाभ मिल रहा था, तो उसको जोड़कर 1000 दे रहा था। हाँ, घोषणा कहाँ पूर्ण हुई है? एक भी घोषणा पूर्ण नहीं हुई है जी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये वादा करके आया गया था जनता से कि कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, धान का पैसा 2500 रुपये प्रति क्विंटल, तो वही सेम इस बार भी कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला गया जनता को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं की, और जो महतारी बंधन योजना बीजेपी लेकर आई उस पर भारी पड़ गया, क्या लगता है आपको? देखिए, क्या होता है आज का जो राजनीतिक है, मैं अपने बीच ले लेता हूँ, हम कितनों कुछ भी काम कर दें, जो नगद की व्यवस्था होती है, नगद की बात होती है, उसमें आज लोग विश्वास करते हैं, है ना। पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जिन्होंने किसान के हित में, बेरोजगार के हित में, युवाओं के हित में बहुत सारे काम किए, है ना। धान का रेट का पैसा दिए 2500 रुपया वादा के अनुसार, किसानों का कर्जा माफ हुआ वादा के अनुसार, सारा कुछ हुआ। चूँकि सरकार उसकी वजह से नहीं गई है, सरकार कुछ गलत फहमी थी, मंत्रिमंडल में बिखराव होना, है ना, संगठन में कसावट न होना, कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदाही देही न होना, ये कारण से सरकार गई है। ये सरकार महतारी बंधन योजना से बन के नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे कि भैया आपने कहा कि अंदरूनी फूट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर सही जवाबदारी न देना, यही बात TS बाबा जी ने हमारे साथ कार्यक्रम में किए थे, तो क्या वाकई में कांग्रेस इससे निपटने के लिए अभी तैयार है कि तैयार होने के लिए भी और समय? देखिए, मैं ये बात को मैं छोटी में बड़ी बात हो जाएगी, हम एक पार्टी के साधारण छोटा से कार्यकर्ता हैं, इस विषय में मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक पुनः सदस्य होने के नाते जरूर कहूँगा कि जो कमियाँ हैं पार्टी में कार्यकर्ताओं के प्रति, इसको हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, बड़े नेता जो हैं, डॉक्टर चरणदास जी महंत हैं, आदरणीय दीपक बैज जी हैं, TS सिंहदेव जी हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, इनको सोचने की जरूरत है कि कार्यकर्ताओं के प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। कार्यकर्ता के प्रति जब तक आप उदारता नहीं बरतेंगे, तब तक कोई भी पार्टी हो सरकार नहीं बना सकती जी। वन संपदा से पूर्ण है,
कृषि कार्यों में भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, उसके बाद ये पलायन की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो अभी भी बनी हुई है। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा का अभाव, जिस विषय में सरकार को काम करनी चाहिए, जिस दिशा में, वो काम वास्तव में ग्राउंड में नहीं हो रहा है। जब तक, जैसे हम मकान बनाते हैं, अगर हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तब तक हम मकान को टिकाऊ नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह अगर हमको सभ्य समाज बनाना है तो हमें शिक्षा पर जोर देनी होगी। शिक्षा का अभाव है, जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम अन्य विषय में चर्चा नहीं कर सकते, ना आगे बढ़ सकते। शिक्षा के अभाव की वजह से लोग पलायन करते हैं, उनको खुद अंदाजा नहीं हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। 7 महीने की विधायकी में मरपच्ची जी का क्या लगता है, कितना एक्टिव हैं और आने वाले जो 4.5 वर्ष उनके पास बचे हुए हैं उसमें कितना काम करने की उसके अंदर क्षमता है? देखिए मरपच्ची जी जो हमारे एक सरपंच साथी थे, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से जीत की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे सरपंच साथी थे, अभी तक उन्होंने जिस हिसाब से मेरे को सुनने को मिलता है, कई बार मैं भी टेलीफोन से प्रयास किया उनसे बात करने के लिए, क्योंकि एक विधायक बन गए हैं भाई हमारा, अब हम एक सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो सरपंचों की एक आस रहता है कि कहीं पर मंच मिल जाए, कहीं पर छोटा सा पुलपुलिया मिल जाए तो बात कर लूँ। तो मैं जब भी फ़ोन लगाता हूँ आज तक मेरा फ़ोन रिटर्न नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से जब मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं तो निश्चित है कि क्षेत्र के मतदाताओं का भी फ़ोन रिसीव नहीं करते होंगे। और मेरे ख्याल से उनका कार्यकाल जो है बड़ा सुनता की ओर है और आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती रही है कि राज्य में सरकार कौन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिमंडल में कौन कौन है, कौन कैसे काम करे, समझ में नहीं आ पा रहा है, जबकि शायद सरकार बोलती है कि ये डबल इंजन का सरकार है। क्या लगता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है कि बीजेपी सच बोल रही है? देखिए अदानी, मैं आपको बताना चाहूँगा, डबल इंजन का आशय होता है जब एक इंजन फेल हो जाता है दूसरा इंजन लगाया जाता है, तो डबल इंजन का अर्थ आप भी समझ सकते हो, अगर एक इंजन फेल हो गई तब दूसरा इंजन जोड़ा गया है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता अगर इस बात को रखते हैं तो बिल्कुल सत्य है, मैं भी इस बात को अनुसरण किया हूँ कि सरकार विष्णुदेव सहाय एकमात्र मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है, किसी पर इसका क्रियान्वयन कहीं और दूसरी जगह से हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य बात है जी। राजनीति में कोई भी अगर पॉलिटिकल जो नेता आ रहे हैं तो उन पर जनता के विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी बात किया जाए, क्योंकि आप लगातार अलग अलग पार्टी में काम करते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं, अब आप एक बार फिर से कांग्रेस अपने आपको स्थापित कर चुके हैं, तो जब आपको अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है तो कहीं ना कहीं अपना एक जो विश्वास जनता तक पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए अब जनता से विश्वास जीतने के लिए जनता पर, जनता के सुख और दुख में खड़ा होना ही सबसे बड़ा काम होता है। जब भी कोई बात आती है तो मैं जनताओं के बीच में उपलब्ध रहता हूँ, और छोटी मोटी जो बातें होती हैं कि इसको ऐसा करना है भैया, ऐसा कराना है, तो सहयोग करता रहता हूँ। और इससे ज़्यादा अपन के पास जो भी संसाधन हैं उसके अनुसार उनके सहयोग करते रहते हैं, यही काम है जी। आपकी दृष्टि में जो विधानसभा है, क्षेत्र है मारवाही, उसमें किन क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस किस दिशा में किस प्रकार की बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए मारवाही विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका शिक्षा और स्वास्थ्य और पेयजल। आज मैं आपको बता दूं, उत्तर मरवाही में जैसे 8-10 ऐसे पंचायतें हैं, आपका फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी से पानी मिलना बंद हो जाता है, तो पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है उस क्षेत्र में। फिर साथ में आगे स्वास्थ्य की, आज भी अपने गौरला में जिला चिकित्सालय है, क्योंकि एक रेफरल हॉस्पिटल हो गया, अगर हम किसी भी मरीज को लेके जाते हैं डॉक्टर पर्ची बनाए बोलते हैं बिलासपुर, इसको रिफ़र करते हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल तो बनाया गया है जिला मुख्यालय, चूँकि उस टाइप की यहाँ सुविधाएं नहीं हैं तो उसकी ज़रूरत है। फिर आगे आपका शिक्षा, शिक्षा में जैसे अभी अपने यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है, होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, अब टोटल ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होता, आपका ITI है एक संस्थान, एक ITI मरवाही भी होता। फिर आपका मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आज का अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे, तो क्षेत्र के विकास में उनका भागीदारी होगी जी। तो है ना, इसकी ज़रूरत है। फिर साथ में आपका पहुंच मार्ग, वैसे मैं जानता हूं कि लगभग पहुंच मार्ग मेरे ख्याल से 80% कंप्लीट हो गए, 20% ऐसे बच्चे होंगे छोटा छोटा कहीं कहीं, उसको भी अपन को पूर्ण करने की ज़रूरत है जी।
राजनीति में आपका सफ़र बहुत लंबा रहा, अच्छा खट्टा मीठा अनुभव भी आपको रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो कि आप सरपंच रहे हैं, अभी आप प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि, तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर जनता तक विकास को पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाया जा सकता है। अभी आप सरपंच हैं तो आपके पास सरपंच रहते हुए, प्रतिनिधि रहते हुए, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं ताकि जो बाकी और दूसरे पंचायत है उनको वो देख के सीखे कि हाँ ये काम भी किया जा सकता है। जैसे अब अपन आज के जो पंचायती राज व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं, जब 1994 में पंचायत राज की स्थापना हुआ था, उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन थी, तो उस समय की पंचायत की व्यवस्था अलग थी, आज की पंचायत की व्यवस्था अलग है। अब हर चीज़ जो हो गई ऑनलाइन हो गई है कि नहीं, तो ऑनलाइन काम होने से क्या होता है, सरपंचों को भी थोड़ा रुचि जो है काम करने में थोड़ा सा कम हो गया है। पहले जो था काम करने की रुचि कुछ अलग थी, आज की रुचि कुछ अलग है। अभी अपने को काम करने की ज़रूरत है, जैसे मनरेगा एक बहुत बड़ा कानून बन के आया, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बहुत बड़ा एक ऋण की हड्डी बन के आया, जिसपे अपन कहा जाए आर्थिक स्थिति से ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हुआ। ऐसे रोजगार गारंटी योजना जैसे कुआं हो गया आपका, ट्यूबवेल हो गया है कि नहीं, खेत समतलीकरण की बात हुई, मेड़ बंधान की बात हुई, ऐसे काम करें रोजगार मूलक कार्य, जो कि हितग्राही को रोजगार भी मिल जाए और उनका अच्छा सा काम भी हो जाए, ऐसे काम करने की जरूरत है। अब सड़क हैं, जो पुल पुलिया हैं, तो एक छोटा सा जुड़ा हुआ है, कोई करता रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन रोजगार मूलक कार्य होना चाहिए जिससे कि रोजगार से जुड़े, जैसे डेयरी फार्म हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, आपका बकरी फार्म हो गया, ऐसे चीज़ों से जुड़ना चाहिए। जी, अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछूं तो आप पूरी तरह से कृषक है कि पूरी तरीके से आप राजनीतिज्ञ हैं या फिर दोनों हैं? मैं तो पूर्ण रूप से कृषक भी हूं, और अगर दो दो बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूं तो राजनीतिक भी मान सकते हैं आप, है कि नहीं, पर मेरा पेशा कृषि ही है और मेरे पूर्वजों ने खेती बाड़ी जो भी छोड़ गई उसी अपना खेती बाड़ी करता हूँ, उसी से अपना परिवार का लालन पालन करता हूँ। एक और बात मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा ये है, राजनीति पे आप आना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में भी आप हैं, तो राजनीति में आप सेवा के लिए आए हैं कि पावर और मनी के लिए आए हैं? क्योंकि इस बात को मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अभी इसमें इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि पावर उनको अपने हाथ में चाहिए रहता है। देखिए, राजनीति एक ऐसा जगह है, यहाँ पर कोई पावर और पैसा की कोई बात नहीं होती है, एक सेवा भावना है, आदमी को सेवा के रूप में काम करना चाहिए। अगर हम पैसे के लिए काम करें तो हम 33 साल से सरपंच, हमारा भी पक्के का महल होता है ना, अगर ऐसा सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे तो अलग बात है, लेकिन नहीं, राजनीति एक सेवा भावना का स्थान है, यहाँ आदमी को समभाव से देखने के लिए लोग चाहते हैं और समभाव से राजनीति करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आप ईश्वर में जैसे आप अपना आस्था रखेंगे, ईश्वर उस प्रकार का प्रसाद देता है जी। तो गुलाब जी, अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मैं तो मेरी राजनीतिक भविष्य के मैं भाई अब देखिए पंच सरपंच से लेकर विधायक तक पहुँचने का प्रयास किए, और हम चाहते हैं कि विधायक बनकर और आगे तक जाएं, ऐसा हमारा मानना है, और मैं प्रयासरत हूं, और मेरा सपना है कि मैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बनूं। जी, बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, हमारे कार्यक्रम में आए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अब क्या संदेश दूंगा, बस यही संदेश देना चाह रहा हूं कि जो छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, और अभी जुमा 8 महीने लगभग सरकार बनी हो गई है, मैं चाहूँगा कि सरकार ने जो वादा किया है पब्लिकों से कि हम मोदी की गारंटी, साय सरकार की गारंटी, इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें और लोगों के हित में कार्य करें। और मरवाही विधानसभा में आए दिन लाइट की कटौती होती है, माननीय विष्णुदेव साय जी से मेरा आग्रह है कि यहाँ जो बिजली की समस्या है, जैसे 33 KV का एक पावर हाउस अपने लालपुर क्षेत्र में एक स्थापित हो जाए तो बिजली की समस्या दूर हो, ऐसे मेरा माननीय CM साहब जी से आग्रह है जी। तो आप सुन रहे थे गुलाब राज जी को, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।